की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कीबोर्ड का यूज करते हैं और आप जब भी कीबोर्ड का यूज करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आता है, तो इस ऑप्शन को आखिर हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं अपने मोबाइल के कीबोर्ड में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसका आखिर बेनिफिट क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, और जो हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई आप अन्य लैंग्वेज में अपने मैसेज को लिखकर और आप किसी अन्य लैंग्वेज में भेजना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं इस ऑप्शन का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और आखिर ये ऑप्शन हम अपने फ़ोन में किस तरीके से लेके आ सकते हैं अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी है, अगर आप यहाँ पर कोई अन्य लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें, जो भी लैंग्वेज आपकी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी हिंदी ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसमें हालांकि लैंग्वेज तो बहुत सारी आ रही है, ठीक है। उसके बाद में जिस चीज़ में आपको ट्रांसलेट करना है वो आप यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश। इसी के साथ में अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करूँगा तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर इसे को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी में लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट हिंदी में लिख दिया है, आप क्या कर रहे हैं, तो ऊपर लिखकर आ गया है व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलकर भी बता सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये बोलने का ऑप्शन देखने को मिल गया है, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिख जाएगा, ठीक है। अभी ये ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा वॉइस का, क्योंकि जो इसकी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को किस तरीके से लेके आना है तो वो चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को आपको हटा के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इस ऑप्शन को दोबारा ला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर सर्च करता हूँ प्ले स्टोर में जी बोर्ड, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर जी बोर्ड लिखकर सर्च करता हूँ, ये मेरे फ़ोन में पहले ही है तो मैं इसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने यहीं पर ही, अब ये ऑप्शन यहाँ से हट चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन किस तरीके से लेके आना है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में लिखना है आपको यहाँ पर जी बोर्ड, ठीक है, जी बोर्ड लिखकर आपको सर्च कर देना है। ये कौन सा ऐप आ गया, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे ही हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में इसकी सेटिंग्स हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो ये हमारा देखते ही देखते यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, कहने का मतलब हमारे फ़ोन में ये सेव हो रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से। अब जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा इसे आपको एक्टिव करना होगा, तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर करनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, इनेबल इन सेटिंग्स, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट इनपुट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे आ जाएगा जी बोर्ड का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, इंग्लिश है, वो आप यहाँ पर ऊपर में ही देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसी को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि जो मेरी लैंग्वेज है वो यही है। और आप यहाँ से वॉइस टैग के लिए भी ऑन कर सकते हैं, अगर आपका नहीं है तब, ठीक है, तो आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो ऑप्शंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये ऑप्शंस किस तरीके से काम में आता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, अभी वो सारे ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जो वॉइस वाला ऑप्शन था वो यहाँ पर आ चुका है, ये वाला था जो कि मैंने आपको बताया था, वो सेटिंग्स को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब वो ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको ये सारे टूल्स भी, आपको वो टूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिस तरीके के आप टूल्स अन कीबोर्ड्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर कलर वगैरह भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये है ग्रीन,
आप देख सकते हैं इस तरीके से रख सकते हैं, हम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस के बाद यूज कर सकते हैं किसी के साथ में इमोजो। ठीक है, देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर इमोजो अलग से ऐड करने हैं तो इसके लिए एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है कीबोर्ड बुलबुल। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, अब आप यहाँ पर इमोजो देख सकते हैं, बहुत सारे इमोजो आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, और मैं यहाँ पर और भी क्लिक करता हूँ। ठीक है, स्टीकर पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इमोजो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो जिस भी तरीके से जैसे कि हाय हेलो जो भी लिखना है तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे और वो आपका चला जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल चाहिए कि हमें इसी वाले ऑप्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जियो डॉल करेंगे ट्रांसलेट का ही ऑप्शन हमें यूज करना अच्छा लगता है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। इससे आप जियो यानी कि अगर आप यहाँ पर इमोजी वाले ऑप्शन से सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस करके रखता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर भी वैसे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनमें भी आपको वो ऑप्शन मिलते हैं इमोजी के लिए। ठीक है, पर उसके तरह आप इसमें नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन उसी चीज़ को लेकर ही बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तब। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।